Shubha, your social science educator. I am back after a long time with the new topic of 10th class, that is power sharing. So children, I hope you must be watching my videos और आपको chapters समझ में आ रहे होंगे. अगर नेहा मैम के chapters आपको समझ में आते हैं तो please drop a message in a comment box. ये मेरे को और इंस्पायर करेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊं. एंड चिल्ड्रन, आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे. चिल्ड्रन, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ध्यानचंद. सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन. पावर शेयरिंग. चिल्ड्रन, यहाँ किस पार की बात हो रही है? What kind of power they are talking about? Here we are talking about political power. जो सरकार हमारी है, जो गवर्नमेंट हमारी है, वो कैसे अपनी पार को शेयर करती है सबके बीच में. सो चिल्ड्रन, यहाँ हम इंडिया का केस तो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस चैप्टर बिगिन्स विथ टू स्टोरीज. वन स्टोरी इज ऑफ बेल्जियम एंड अनदर स्टोरी इज ऑफ श्रीलंका. तो हम पहले पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, जो ये बेल्जियम केस आपको दिखाई दे रहा है. देन वी मूव ऑन टू द श्रीलंका केस. सो चिल्ड्रन, बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में पावर को शेयर किया जाता है, पॉलिटिकल पावर को शेयर किया जाता है. एंड श्रीलंका में इट इज नॉट देयर, पावर शेयर नहीं होता है वहां पर. तो चलो, लेट्स बिगिन विद द बेल्जियम केस. बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, इट इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, जो कि हमारे इंडिया का जो हरियाणा स्टेट है उसके बराबर है, इक्वल टू दैट ऑफ एन इंडियन स्टेट, दैट इज हरियाणा. इतनी छोटी कंट्री है ये. और यहाँ की जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की, दैट इज ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास ऊपर है इसकी. जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है उसकी हाफ पॉपुलेशन कहां पर है? बेल्जियम में है. सो चिल्ड्रन, पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये स्मॉल कंट्री भी है यूरोप की. एंड चिल्ड्रन, यहां पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अपने बॉर्डर शेयर करती है वो करती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग. यहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाट इज एथनिक कॉम्पोजिशन? सो हियर आई हैव रिटन, एथनिक कॉम्पोजिशन मींस डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी एटसेट्रा. तो जहां इतनी सारी चीजें डिफरेंट हो तो वहां पे चीजें तो कॉम्प्लेक्स होना तय है. तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो एथनिक कॉम्पोजिशन था, कि यहाँ के जो लोग थे उनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी, डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट ट्रेडिशन था. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मींस ज्यादा, मेजॉरिटी पीपल 59% डच स्पीकर थे, डच बोलते थे. एंड माइनॉरिटी में 40% फ्रेंच स्पीकर थे. मतलब यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन डच स्पीकर की थी. और ये कहाँ रहते थे? ये फ्लेमिश रीजन में रहते थे. और जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में थी, दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, वो आपके वलोनिया में रहते थे. यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन फिर बन जाता है. एक तो ये कि मेजॉरिटी में कौन है? डच स्पीकिंग पीपल. कितने? 59%. माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. कितना? 40%. अब ये जो डच स्पीकिंग पीपल है वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में. और आपके जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो कहाँ रहते हैं? वलोनिया में रहते हैं. अब आप सोच रहे होंगे, मैम ये 1% और कौन थे यहाँ जो बचे हुए हैं? तो वो 1% आपके वो बेल्जियंस थे जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे. सो चिल्ड्रन, ये ऐसे यहाँ की पॉपुलेशन डिवाइड थी. अब हमको पढ़ना है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स. अब ब्रसेल्स में इसका केस उल्टा था. अब कैसे उल्टा था?
बेल्जियम में आपके मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग पीपल थे एंड माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, लेकिन ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं एंड इन माइनॉरिटी डच स्पीकिंग पीपल। ये तो उल्टा केस था बिल्कुल, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, बेल्जियम के कैपिटल की बात कर रहे हैं, ब्रसेल्स की। तो ये तो बिल्कुल बेल्जियम से उल्टा था यहां पर। अब यहां एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, यहां प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे या जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो ज्यादा रिच एंड पावरफुल थी। अब डच स्पीकिंग पीपल को ये पसंद नहीं आता था कि हम लोगों को, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बेनिफिट्स हो या एजुकेशन से रिलेटेड बेनिफिट्स हो, वो हमको बाद में दिए जाते हैं लेकिन पहले फ्रेंच कम्युनिटी को दिए जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके साथ भी आपकी टीचर क्लास में ये पार्शियलिटी करेगी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएगी और जो बच्चे एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं उन पे ध्यान नहीं देगी, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम थी कि जितने इकोनॉमिकली और सोशली या कल्चरली जो भी बेनिफिट होते थे वो आपके डच जो स्पीकिंग पीपल थे उनको बाद में मिलते थे, लेकिन पहले किसको मिलते थे, फ्रेंच कम्युनिटी को मिलते थे। तो ये जो एक दूसरे के प्रति जेलसी थी, इस जेलसी ने एक टेंशन क्रिएट कर दी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। कब? ड्यूरिंग दी 1950s एंड 1960s। अब चिल्ड्रन, ये जो टेंशन थी ये बहुत एक्यूट लेवल पे हो गई थी। ऑब्वियसली किसी के साथ भी ये पार्शियलिटी होगी तो किसी को भी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये तो था थोड़ा सा हमारा बेल्जियम और ब्रसेल्स के बारे में। अब इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है ये हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका का केस। अब श्रीलंका में क्या था, चिल्ड्रन एज वी नो श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। अब ये एक आइलैंड नेशन है, कुछ किलोमीटर दूर है हमारे तमिलनाडु के कोस्ट से। हमको बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया श्रीलंका से पाक स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो चिल्ड्रन श्रीलंका हमारे इन तमिलनाडु से कनेक्टेड है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास है, ज्यादा नहीं है, छोटा पड़ोसी देश है। चिल्ड्रन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी आपके डाइवर्स है, यहाँ पे भी डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहते थे, जिनमें से सिन्हाला थे वो 74% थे एंड जो तमिल थे, तमिल बोलने वाले थे वो आपके सिर्फ 18% थे। तो मेजॉरिटी में यहाँ कौन हुआ, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हुए, सिन्हाला लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है वहां पर, दैट वॉज 74% एंड तमिल लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग थे, 18%। अब चिल्ड्रन यहाँ पर भी आपका डिवीजन है, जो तमिल स्पीकिंग पीपल है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज तमिल नेटिव्स, तमिल नेटिव्स वो है जो आपके श्रीलंका के ही है, श्रीलंका में ही बॉर्न हुए हैं और उनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स, और इनकी पॉपुलेशन 13% अराउंड थी। अब बाकी के बचे 5% आउट ऑफ 18 वो आपके इंडियन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स वो लोग थे जो यहाँ से, इंडिया से कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर एज अ प्लांटेशन वर्कर्स गए थे और वहीं पर ही सेटल हो गए, वो क्या कहलाते हैं, इंडियन तमिल्स। सो तमिल जो स्पीकिंग पीपल थे वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, वन वॉज तमिल नेटिव जो वहीं के ही थे एंड अनदर वर इंडियन तमिल्स जो इंडिया से कॉलोनियल पीरियड, मतलब से ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूलिंग पीरियड चलता था उस टाइम पर, यहाँ के इंडियन तमिल्स प्लांटेशन वर्कर्स गए थे श्रीलंका में और वहीं क्या हो गए, सेटल हो गए। तो ये तो हमने पढ़ा कि सिन्हाला जो स्पीकिंग पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे और माइनॉरिटी में तमिल्स थे, और तमिल भी 2 पार्ट में डिवाइड थे, दे वर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। हियर गोज योर एमसीक्यू क्वेश्चन कि तमिल नेटिव्स और इंडियन तमिल्स के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एंड मोर
ओवर यहाँ पे आपका ये पॉपुलेशन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट वाज अ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका. एंड चिल्ड्रेन यहाँ पे तीसरा एमसीक्यू जो जाता है आपका, दैट इज सिन्हाला स्पीकिंग पीपल कितने परसेंट में थे एंड तमिल स्पीकिंग पीपल कितने परसेंटेज में थे. अब ये तो था श्रीलंका की पिक्चर, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉब्लम. सो चिल्ड्रेन अब क्या था, यहाँ पर जो लैंग्वेज वेरिएशन था, डिफरेंस था लैंग्वेज का, उसको कनेक्ट कर दिया गया रिलीजियस कंपोजिशन से. अब लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ रिलीजन को भी जोड़ दिया गया, प्लस कर दिया गया. अब वो कैसे, सिन्हाला जो 74% लोग थे वो क्या फॉलो करते थे, दे फॉलोड बुद्धिज्म, वो आपके बुद्धिस्ट लोग थे. एंड तमिल स्पीकिंग पीपल जो 18% थे, दे फॉलोड हिंदुइज्म एंड इस्लामिक रिलीजन, दे वर हिंदूज एंड मुस्लिम. एंड रिमेनिंग 7% तमिल एंड सिन्हाला दोनों ही आपके क्रिश्चियन थे. सो चिल्ड्रन ये इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को अब रिलीजन से जोड़ दिया. अब रिलीजन से जोड़ा तो यहाँ ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस रिलीजन को दी जाती होगी, दैट वॉज बुद्धिज्म. बुद्धिस्ट लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी. अब चिल्ड्रन यहाँ मेजोरिटेरियनिज्म हो गया श्रीलंका में. Now the question arises, ma'am, what is the meaning of majoritarianism? So here goes the definition. ये एक ऐसा belief है जहाँ पे majority community rule करती है country पे जैसे वो चाहे, और जो अदर लोगों की needs होती है या अदर community की needs होती है उनको डिसरिगार्ड कर देती है. सो चिल्ड्रन दिस इज नोन एज मेजोरिटेरियनिज्म. आपको डेफिनेशन इसके वर्ड से ही ढूंढना है, मेजोरिटी. ऑफ कोर्स मेजोरिटी जो ज्यादा पॉपुलेशन में है तो यहाँ किसकी चलेगी, उन्हीं कम्युनिटी के लोगों की चलेगी. कंट्री पे रूल कौन करेगा, वही कंट्री के जो लोग हैं मेजोरिटी में जो है वही करेंगे, और वो क्या करेंगे, जैसे चाहे वैसे रूल करेंगे, लेकिन वो डिसरिगार्ड करेंगे अदर कम्युनिटी की नीड्स एंड विशेस को जो माइनॉरिटी में है. सो बाय द डेफिनेशन इट इज क्लियर कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रूलिंग कम्युनिटी कौन सी है, सिन्हाला है, क्योंकि ये मेजोरिटी में है, और तमिल लोगों की जो विशेज हैं, जो नीड्स हैं, उनको डिसरिगार्ड किया जाता था. सो चिल्ड्रन ये तो यहाँ प्रॉब्लम थी. अब हम बात करते हैं श्रीलंका की, कि श्रीलंका हमारा जब देश आजाद हुआ था उसके एक साल बाद श्रीलंका भी आजाद हो गया था. एंड चिल्ड्रन यहाँ पर सिन्हाला जो कम्युनिटी के लीडर्स थे वो गवर्नमेंट चलाते थे, वो गवर्नमेंट में थे, वही लीडर्स थे, और वो करते क्या थे, उन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया था, मेजोरिटेरियनिज्म. मतलब वो अपने ही खुद के कम्युनिटी को क्या करने लगे थे, सुपर पावर देने लगे थे, और जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे उनको डिसरिगार्ड करने लगे थे. अब ये क्या था, सिन्हाला जो थी वो सुप्रीमेसी में आ गई थी, मतलब पिक्चर में यही हीरो थे और यही विलेन थे. अब बात करेंगे चिल्ड्रेन कि इन्होंने ये जो सुप्रीमेसी अडॉप्ट की थी वो कैसे की थी, ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए थे, व्हाट वर द मेजर्स taken by the Sinhala people to maintain their supremacy or to maintain the majoritarianism in the picture. So children, let's talk about it. So children, these were the following measures जो Sinhala supremacy को establish करने के लिए Sri Lankan government ने लिए थे. These were the measures taken by the Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. The first was in 1956 they passed
रिकॉग्नाइज कर दिया गया और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर आप सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रहे हैं, इट मींस यू आर डिसरिगार्डिंग द तमिल लैंग्वेज। नेचुरली द सेकंड मेजर, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, यूनिवर्सिटीज थी, सब जगह सिर्फ सिन्हाला लोगों को ही पोजीशन मिलने लगी। गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, पोजीशंस वर गिवन टू देम। तो यहाँ किसको आप अपग्रेड कर रहे हो? सिन्हाला लोगों को कर रहे हो। तो ये तो गलत बात हुई ना। Now third, इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दिए कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब वो सिन्हाला लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेगी। इवन अब डेवलपमेंट की बात करेगी तो सिर्फ किसकी? सिन्हाला लोगों की, जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे। सो चिल्ड्रन, यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लोगों की बात हो रही है। और सिन्हाला जो लैंग्वेज बोलते थे, वो लोग किस रिलीजन के थे? दे ऑल वर फ्रॉम बुद्धिज्म रिलीजन। सो चिल्ड्रन, यहाँ ये सारे जो मेजर्स लिए जा रहे थे एक के बाद एक, धीरे 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 ये कौन सी फीलिंग्स लेके आ रहे थे श्रीलंकन लोगों में, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनमें? दैट वॉज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। नाउ मैम, व्हाट इज एलियनेशन? एलियन वर्ड आप बोलते हैं ना, आपने एलियन तो सुना होगा। जैसे पीके मूवी में पीके को, आमिर खान को सब एक अलग तरीके से ट्रीट करते थे, बिकॉज ही डिडंट नो द लैंग्वेज ऑफ द प्लैनेट। उसको लैंग्वेज ही नहीं पता थी, राइट? वो एक एलियन था सभी के लिए। तो यहाँ पर जो श्रीलंकन तमिल लोग थे, जो 18% पॉपुलेशन में थे, वो अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करने लगे, क्योंकि यहाँ सब जगह किसकी बात हो रही थी? सिर्फ सिन्हाला लोगों की बात हो रही थी, तमिल की तो कहीं बात ही नहीं की गई। तो वो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें तो बिल्कुल यहाँ से एक अलग हिस्सा बना दिया गया है, हम इन लोगों की तो जैसे पार्टी ही नहीं है। So this is the meaning of alienation. So children, आप उनके अंदर feelings क्या थी? कैसे feelings थी? उनको ये लगता था कि कोई भी political जो leader है majority party से, that is from Sinhala language, वहां पर कोई भी उनके culture और religion के बारे में नहीं सोच रहा था, कोई भी उनके language के बारे में नहीं सोच रहा था, सब Sinhala को ही promote कर रहे थे। तो ये तो गलत बात है, इसकी वजह से तो उनके अंदर फीलिंग आनी तय थी एलियनेशन की। नाउ सेकंड वाज, आप उनको ऐसा लगने लगा था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनका और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं, वो उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को नजरअंदाज कर रही है, उनके पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई कर रही है, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एंड द थर्ड, ऐसा उनको लगने लगा था कि अब हमारे को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अब हमको कोई भी जॉब्स नहीं मिल पाती है, हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में, इवन हमारे इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जाता था। सो दीज वर द फीलिंग्स जो श्रीलंकन तमिल्स के अंदर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये मेजर्स ले लिए गए थे सिन्हाला सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए। सो चिल्ड्रन, अब जाहिर सी बात है, यहाँ आपके श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो चुप रहने वालों में से तो थे नहीं। अब श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया इसके लिए? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो चिल्ड्रन, इतना डिस्क्रिमिनेशन टॉलरेट करने के बाद तमिल्स का क्या रिएक्शन था? श्रीलंकन तमिल ने ऐसा क्या किया कि उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें मिली? उन्होंने सबसे पहले तो अपनी पार्टीज लॉन्च की, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट करी और स्ट्रगल किया, लड़ाई लड़ी कि उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसको एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए।
So this was the first step. This was the first reaction of Sri Lankan Tamils. Now second was उन्होंने struggle किया कि एक उनको अलग से regional autonomy दे दी जाए, उनको एक अलग से जगह place दे दी जाए जहाँ सारे लोग मिलके ये रह सके. And children the third इन्होंने लड़ाई लड़ी struggle किया for equal opportunity. सारी चीजों में अब इन्होंने कहा कि हमें भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज चाहिए जितनी कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को मिलती है. अब चिल्ड्रन ये जो सब कर रहे थे, इतना सब कुछ इन्होंने किया, पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई, लड़ाई भी लड़ी, इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल कर आया. They did not get anything from these all things. उनकी demands को consider नहीं किया गया. और तो और as a result क्या हुआ? By 1980s several political organization were formed. इन्होंने political organizations को बनाया और demand की एक independent तमिल स्टेट की डिमांड कर दी. स्टेट मीन्स एलम, उनकी लैंग्वेज में एलम बोला जाता है. इन्होंने कहा एक काम करो, हम लोगों को एक अलग से हिस्सा दे दो, तमिल स्टेट बना दो. कहां पर? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. इन्होंने कहा ठीक है, आप लोग हमें नहीं दे रहे हो ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नहीं दे रहे हो इक्वल राइट्स, नहीं दे रहे हो जगह, नहीं दे रहे हो, तो एक काम करो आप हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, एक तमिल स्टेट दे दो श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में. तो ये जो सब कुछ स्ट्रगल चल रहा था, इतनी टेंशन चल रही थी, धीरे धीरे ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या बन गया? एक सिविल वॉर बन गया. सिविल वॉर मींस वॉर ऑफ सिटीजंस, जहां पर कोई भी दो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आपस में एक ही स्टेट या एक ही कंट्री के लड़ रहे हो, उसको कहते हैं सिविल वॉर. फॉर एग्जांपल, आपका कंपटीशन होता है 10th A एंड 10th B. It will be known as inter-class competition. ठीक है, अब आपकी ही खुद की क्लास 10th A में झगड़ा हो रहा है, आपस में लड़ रहे हो, तो वो कहलाया जाएगा इंट्रास्टेट वॉर, इंट्रा क्लास वॉर. सो चिल्ड्रन, यहाँ क्लास की बात हो रही है तो यहाँ स्टेट की बात कर लो. आपस में ही एक ही स्टेट या एक ही कंट्री के लोग जब लड़ते हैं उसको कहा जाता है इंट्रा स्टेट वॉर और सिविल वॉर. सी फॉर सिविल, सी फॉर सिटीजन. जब एक ही स्टेट के, एक ही कंट्री के सिटीजन आपस में लड़ रहे होते हैं, दैट सिचुएशन इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर. सो चिल्ड्रन, ये तो कुछ स्टेप्स थे जो श्रीलंकन तमिल्स ने लिए सिन्हाला सुप्रीमेसी के अगेंस्ट. तो ऑब्वियसली ये कौन सी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको? एक वॉर की सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो गई थी? एक अच्छे खासे वॉर में कन्वर्ट हो गई थी. सो चिल्ड्रेन, अब ये जो वॉर हुआ था इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए, क्या रिजल्ट निकल के आया? सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर कहीं वॉर होता है तो ऑब्वियसली लोगों का मरना तय होता है. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे जो सिविल वॉर हुआ उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड. अगर लोग मरेंगे, वॉर होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आएगा. सो इकोनॉमी ऑल्सो गॉट अफेक्टेड विद दी सिविल वॉर. सो चिल्ड्रन, दीज वर दी कॉन्सिक्वेंसेस कि आपके ना थाउजेंड्स लोग मारे गए थे, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली सब जगह से आपका टेंशन्स क्रिएट हो गई थी, ओवरऑल इकोनॉमी आपकी डिस्टर्ब हो गई थी. एंड चिल्ड्रन, दिस वॉर स्टार्टेड इन 1980s एंड एंडेड इन 2009. Here goes your MCQ question.
1980s में और कब जाके एंड हुआ था 2009 में सिविल वॉर आपका एंड हुआ था। सो चिल्ड्रन दिस वाज ऑल अबाउट श्रीलंकन केस। अब हम बात करेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ था। मैम आपने बेल्जियम वाला टॉपिक तो वहीं छोड़ दिया था, एक केस हमने बेल्जियम का पढ़ा था और एक केस हमने उसकी कैपिटल ब्रसेल्स का पढ़ा था। तो अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है ये है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेल्जियम केस। सो चिल्ड्रन अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं बेल्जियम केस पे, जो हमने वहां पर छोड़ दिया था कि ब्रसेल्स में इतने लोग मेजॉरिटी पे हैं एंड माइनॉरिटी में हैं, जो कि बिल्कुल बेल्जियम के अपोजिट थे। सो चिल्ड्रन अकोमोडेशन इन बेल्जियम मतलब कैसे बेल्जियम में ब्रसेल्स के लोगों को जगह दी गई, ब्रसेल्स में कैसे बेल्जियम के लोगों को अकोमोडेट किया गया। वी हैव टू स्टडी दिस इन दिस टॉपिक। सो चिल्ड्रन बेल्जियंस रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। ये बेल्जियंस ने बहुत अच्छा काम किया था कि एक दूसरे की लैंग्वेज को, एक दूसरे के कल्चर को एक रिकॉग्निशन दे रखा था। ऐसा नहीं था कि मेजॉरिटी वाले लोगों का ही एग्जिस्टेंस माना जाता था, उनको ही प्रेफरेंस दी जाती थी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इवन 1970s एंड 1993 में इन लोगों ने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी 4 बार चेंज किया था। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times। क्यों? What is the reason? So that everyone live together within the same country, ताकि सब लोग एक साथ एक कंट्री में रह सके। So children, ये कुछ elements भी दे रखे हैं Belgian model के कि कैसे एक Brussels and Belgium दोनों ने मिलके एक दूसरे को accommodate किया, एक दूसरे का साथ दिया। This is what we have to learn from the Belgium case. So children, यहाँ का जो constitution था उसमें ये लिखा गया था, ये मतलब specially लिखा गया था कि जितने भी number of Dutch people हैं या number of French speaking हैं, उन दोनों में से ही ministers बनाए जाएंगे equally इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ तो कोई पार्शियलिटी थी ही नहीं। कितना अच्छा काम किया था बेल्जियन मॉडल के थ्रू इन लोगों ने कि चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो, चाहे आप मेजॉरिटी में है माइनॉरिटी में, दोनों से ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा आपका इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इससे क्या होगा, कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं लेगी, दोनों ही मिलके लेंगे। तो ये था जो बेल्जियम और ब्रसेल्स दोनों में शांति बनाए रखा था, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन की वजह से इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर कई सारे पावर या अथॉरिटी ऐसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, सो दैट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये ना लगे कि उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स ना आए कि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, जैसे हमारी कंट्री में भी होता है। तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी को शेयर कर रहे हो, अपने पावर को शेयर कर रहे हो, आप अपने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप से, सो ऑब्वियसली कोई टेंशन ही क्रिएट नहीं होनी आपकी स्टेट में या आपकी कंट्री में। तो यही एक एग्जाम्पल है बेल्जियम का, जो वो अपने आप को एक्साइट करती है कि देखो हमने एक दूसरे को अकोमोडेट किया। इससे क्या हुआ बेल्जियम में, शांति बनी रही। अगर बेल्जियम के लोगों ने तो ऐसा किया था, तो यहाँ ब्रसेल्स के लोगों ने भी क्या किया था, इन्होंने भी सेपरेट गवर्नमेंट दे दी थी दोनों कम्युनिटीज को, चाहे डच हो या फ्रेंच हो। इवन यहाँ पर आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया फ्रेंच को भी
और डच पीपल को भी, सो दैट एक शांति बनी रहे और आराम से देश अपना चलता रहे. सो चिल्ड्रन, और तो और यहाँ दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, आपकी एक और गवर्नमेंट बनाई गई, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. बाय द वर्ड इट इज क्लियर, कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, आपका सिन्हाला हो, तमिल हो, ये क्या नहीं, ये कम्युनिटीज ही तो हुई है जो स्पीकिंग पीपल है. तो एक लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल से, एक कम्युनिटी से आपकी गवर्नमेंट बनाई गई अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, ताकि जो कम्युनिटीज की ग्रीवियंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई दिक्कत है पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो वहां जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का लीडर है वो आपकी प्रॉब्लम को ऊपर ला सके. तो आप कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी गई, ताकि कोई एक कम्युनिटी ऊपर ना रहे और एक कम्युनिटी नीचे ना रहे, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले. सो अगर कोई कम्युनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई बात अगर रखनी होती थी, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू रखी जाती थी. सो चिल्ड्रन, इस केस से हमको ये तो सीखने को मिलता है, इन दोनों स्टोरी से, चाहे वो बेल्जियम की हो या श्रीलंका की हो, बेल्जियम में भी पार था, श्रीलंका में भी पार था, बट दोनों स्टोरीज में डिफरेंस ये है कि बेल्जियम का जो केस है, वहां पर शांति बनाए रखने के लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए, आपके पार को शेयर किया गया था. ऑन द कॉन्ट्ररी, श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था. तो इन दोनों स्टोरीज से ये सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहते हैं हमारी कंट्री में पीस बना रहे, हार्मनी बना रहे, सारे कम्युनिटी या क्लासेस को इक्वली बनाए रखना है, तो हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी, एक दूसरे की लैंग्वेज को उतनी ही प्रेफरेंस देनी है जितनी आप अपनी खुद की लैंग्वेज को देते हैं. क्योंकि हम यहाँ श्रीलंका जैसा केस नहीं चाहते हैं, जहां पर सिविल वॉर हो गया, क्योंकि वॉर से कंसीक्वेंसेस जो निकल के आते हैं वो ये होते हैं कि आपके देश में डिसहार्मनी आती है, पीसफुल कंट्री नहीं रहती है, आपस में लड़ाई होती रहती है, और जिसका नतीजा ये होता है कि लोग मरते भी हैं. इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी वहीं रुक जाता है. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में जो पार शेयरिंग को इन्होंने आपको डिस्क्राइब किया है, वो इन दोनों स्टोरीज के थ्रू किया है, इसलिए हमने इन दोनों स्टोरीज को पढ़ा है. तो इससे आपको ये पता चलता है कि बेल्जियम की तरह ही हमको काम करना चाहिए, एक दूसरे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एलियनेशन वाली फीलिंग्स ना आए. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव टू स्टडी द टॉपिक टुडे, दैट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है? So there are two reasons for the same. The first is prudential reason and another is moral reason. Now children, before studying the prudential reason, let's see the definition of prudential. Let's understand the meaning of prudential. Prudential मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को अपने experiences से सीखते हैं. It means to learn through experience. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन, हम अपना सोशल साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं. आपने देखा, आप एग्जाम जब देते हो, जो मिस्टेक आपने अपने यूनिट टेस्ट में की होती है, आप कोशिश करते हो कि वही मिस्टेक्स आपके फाइनल एग्जाम्स में ना हो, क्योंकि आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे. तो ये आपने कैसे सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा. ऐसे ही हमारे देश ने भी और अदर कंट्रीज ने भी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं. अब जैसे ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड जो चल रहा था, ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी,
तो ये क्या है, हमने जितने वॉर्स पास्ट में देखे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमने हमेशा यही देखा है कि वॉर्स की वजह से हमारे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट पे बहुत फर्क आया है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई वर्ल्ड वॉर और ना हो। अदर कंट्रीज भी यही कोशिश करती है, क्यों? क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर कोई भी वॉर होता है तो वो आपका कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट को हिंडर करता है, रोक के रखता है। तो ये क्या है, हमने अपने पास से सीखा है। तो चिल्ड्रन, इसी को कहते हैं पोटेंशियल रीजन। अगर हम अपने पास्ट से सीखेंगे, एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, तो ऑफ कोर्स ये हमको हेल्प करेगा कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने में। जैसे हमने देखा श्रीलंका में सिन्हाला एंड तमिल्स दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, तो इस तरीके का क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो यही सेम यहां बोला है, कोई भी सोशल ग्रुप्स होंगे, अगर आप पार शेयर करेंगे तो उनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। राइट नाउ सेकंड, ये एक अच्छा तरीका है कि हम इसके थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जैसे श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म हो गया था, जिसकी वजह से माइनॉरिटी पीपल को फीलिंग्स आ रही थी एलियनेशन की, तो ये दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट कर रहा था। इसी तरह ये हेल्प करता है कि कोई भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, सिर्फ उसका रूल ना चले और उसके अकॉर्डिंग ही टर्म्स एंड पॉलिसीज ना बनाई जाए, सिर्फ उसकी विल का ही ध्यान ना रखा जाए, बल्कि आपके माइनॉरिटी लोगों का भी रखा जाए। क्योंकि मेजॉरिटी जो है आपके शॉर्ट रन में तो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बट अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म बनी रहे, पीस एंड हार्मनी बनी रहे, तो आपको बिल्कुल पार को शेयर करना पड़ेगा। सो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये पोटेंशियल रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरी है कि हम पार को शेयर करें। नाउ सेकंड रीजन इज मोरल रीजन। मोरल मतलब हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगर आप डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, सो इट इज आर मोरल ड्यूटी कि आप पार को क्या करें, शेयर करें, बिकॉज पार शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ चिल्ड्रन, और डेमोक्रेसी जहां होती है तो लोगों का रूल होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और लोग ये सोचते हैं कि हमसे एक बार कंसल्ट किया जाए कि हम किससे गवर्न होना चाहते हैं या हम पर कौन रूल करेगा। सो दिस इज द मोरल रीजन। द फर्स्ट इज पार शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड। ये हमारा राइट है ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि हम पे कौन रूल करेगा। सो चिल्ड्रन, दीज आर द टू रीजन, और इससे आपकी एमसीक्यू भी बन सकता है। आपका एमसीक्यू में एक ये स्टेटमेंट पूछ लिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा रीजन है, विच रीजन इज इट। सो यू हैव टू गिव द आंसर मोरल रीजन। So I hope prudential and moral reason both are clear to you. Now let's move on to our next topic, that is forms of power sharing. कि हम power को कितने तरीके से divide कर सकते हैं। So let's study the topic. Now learners, we have to study the forms of power sharing. कितने तरीके से power share होता है? So these are horizontal, vertical, प्रेशर ग्रुप्स, अमंग सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। या तो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कर सकते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हैं, अमंग सोशल ग्रुप्स कर सकते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक तरीके से हमारा पावर है जो शेयर होता है। So the first one we'll discuss is
हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पार्शियली. चिल्ड्रन देखो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती है, राइट टू लेफ्ट, वॉट एवर यू फील गुड. अब चिल्ड्रन यहाँ देखो, स्ट्रेट लाइन है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई अप्स नहीं है, कोई डाउन नहीं है, कोई ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, स्ट्रेट है. इसका मतलब यहाँ पर जो पार शेयरिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है. नाउ व्हाट आर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. चिल्ड्रन आई होप आपको लेजिस्लेचर मतलब पता होगा, द वन हु मेक्स लॉ. एग्जीक्यूटिव जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, एंड जुडिशरी जो ये देखते हैं कि जो आपके लॉज हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं. इनका काम जस्टिस करना होता है, इनका काम इंप्लीमेंट करना होता है, और इनका काम लॉज को बनाना होता है. तो चिल्ड्रन यहाँ पर तीनों के ही एक ही लेवल पे हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, किसी की पावर ज्यादा नहीं है, किसी की पावर कम नहीं है, तीनों ही एक ही लेवल पे हैं. बट इनका जो पावर का सेपरेशन है वो कर दिया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट कर दिया. और पावर को तो सेपरेट किया सो अलग, साथ में हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकता है. चेक एंड बैलेंस वाली सिचुएशन होती है इस सिस्टम में. ये जो अरेंजमेंट किया गया है कि एक दूसरे का काम आप चेक कर सकते हो, देखिए गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट अपना, हाई कोर्ट जो है, जुडिशरी सिस्टम जो है वो अपना इंटरफेरेंस यहाँ कर सकती है. यहाँ ये इनके काम को चेक कर सकते हैं, ये इनके काम पे चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ ये इनके काम पे कर सकते हैं, ये इनके काम पे कर सकते हैं, तो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं. अभी चिल्ड्रन यहाँ पर एक और चीज एंश्योर की जाती है कि जितने भी ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अपने पावर का अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं, इसलिए तो ये तीनों एक ही लेवल पे होते हैं और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं. यहाँ पे पावर को सेपरेट कर दिया गया है. कैसा पावर? कि आप लॉ बनाएंगे, आपको ये पावर दिया गया है, आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपको ये पावर दिया गया है, आप जस्टिस करेंगे, जुडिशरी सिस्टम में रहेंगे, आप देखेंगे कि वो लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. यहाँ इन तीनों में कोई भी अपर पोस्ट पे नहीं होता है, कोई भी लोअर पोस्ट पे नहीं होता है, क्योंकि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल जा रही है, सबको एक जैसा पावर दिया जाता है. यहाँ पर सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी रख सकते हैं. So this is all about horizontal form of power sharing. Now let's move on to vertical form of power sharing. जैसे हमारे कंट्री में है different levels of government. यहाँ different organs of government की बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे different levels of government. Central government, state government and local government. अब इन तीनों में पार को डिवाइड कर देते हैं, इस सिस्टम को कहा जाता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पार शेयरिंग. अब जानते हैं कैसे. सो लर्नर्स, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर पार जो है वो डिफरेंट लेवल्स में शेयर होता है. वो ऐसे होता है कि आपका पार जो है वो टॉप से लेके लोअर तक आता है. इट मीन्स ये वर्टिकल लाइन है जो ऊपर से लेके नीचे आती है. अब चिल्ड्रन इट इज ऑब्वियस, ऊपर से लेकर नीचे आती है, जैसे स्टेयर्स होते हैं. तो चिल्ड्रन जो ऊपर बैठा हुआ है टॉप पर, ऑफ कोर्स उसके पास पावर ज्यादा होगी. ये चीज है कि पावर को शेयर किया गया है, बट स्टिल सबसे ज्यादा हाईएस्ट पार कहाँ होगी? इधर होगी. यहाँ का थोड़ा पार यहाँ दिया जाता है और यहाँ का थोड़ा पार यहाँ दिया जाता है. सो चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ पार शेयरिंग इज नोन एज
वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर डिवीजन ऑफ पावर हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक किया जाता है। सो चिल्ड्रन, जैसे हमारी कंट्री इंडिया, ये जो सिस्टम है वो हमारी कंट्री इंडिया में फॉलो किया जाता है और इस सिस्टम को बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई देयर इज अ स्टेटमेंट, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। फेडरलिज्म, जहां पे पावर को क्या किया जा रहा हो, शेयर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, पूरे पावर्स उसके पास होते हैं। अब चूंकि हमारे डिफरेंट स्टेट्स भी हैं और हमारे डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है कि सब चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी स्टेट को लुक आफ्टर कर लें। इवन चिल्ड्रन फंड को भी यहाँ पर शेयर किया जाता है। पर्टिकुलर किसी चीज को डेवलप करने के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए इनको भी फंड दिया जाता है। अब चिल्ड्रन, यही स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ पार शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट से। अब लोकल गवर्नमेंट को भी फंड दिया जाता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, पार भी शेयर हो रही है, फंड भी शेयर हो रहा है। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज फेडरलिज्म, राइट। अब चिल्ड्रन, लोकल गवर्नमेंट भी देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपके अर्बन के लिए है क्योंकि अर्बन एरियाज है, और एक आपके रूरल एरियाज के लिए है क्योंकि गांव भी है। तो अर्बन में म्युनिसिपैलिटी होता है, यहाँ पर भी इनके सब डिवीजन है, आपका म्युनिसिपल कोऑपरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है। यू ऑल मस्ट हैव रेड अबाउट देम इन योर सिक्स्थ स्टैंडर्ड सिविक्स, राइट। ना पंचायत, विलेज में क्या होती है, पंचायत होती है। अब पंचायत भी डिवाइड है क्योंकि वहां सरपंच होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट होती है जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है, और एक होती है विलेज पंचायत जो गांव के लेवल पे काम करती है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेशर ग्रुप्स। व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स, उनको भी तो थोड़ी सी पावर दी है हमारी गवर्नमेंट ने, अब वो क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स इन मूवमेंट। चिल्ड्रन, ये बहुत इजी है और आपने अपने आसपास इसको देखा भी होगा, आपने कई एसोसिएशंस के बारे में सुना भी होगा। एक्चुअली ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो अपने आप को एक एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट, नॉट ओनली देयर कॉमन इंटरेस्ट बट ऑल्सो ऑफ कॉमन पीपल्स इंटरेस्ट। आम जनता के इंटरेस्ट के सपोर्ट में ये खड़े होते हैं, उनके इंटरेस्ट को ये यहाँ प्रमोट करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लोग डिफेंड भी करते हैं, बचा के रखते हैं। एक्चुअली वो ग्रुप्स हैं, इनका नाम प्रेशर क्यों है, ये वो ग्रुप्स हैं जो रियली गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए रखती है, राइट। एक्चुअली क्यों बना के रखती है प्रेशर, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे नहीं आने दिया जाता है, जैसे माइनॉरिटी ग्रुप है, अब उनकी नहीं चल पाती। अभी अभी हमने श्रीलंका के केस में देखा, माइनॉरिटी ग्रुप की बात हो रही थी वहां, क्या उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, नहीं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए इस टाइप की प्रेशर ग्रुप्स को बनाया जाता है और मूवमेंट्स को बनाया जाता है, और ये अपने मूवमेंट्स को रन करते हैं। ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, एक्चुअली ये एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं
उन लोगों के बीच में जो पावरलेस ग्रुप्स हैं और जो पावरफुल गवर्नमेंट है, क्योंकि देखो चिल्ड्रन, गवर्नमेंट या सरकार किसी भी ग्रुप की हो सकती है। तो जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म रिलीजन को सपोर्ट करती थी, सिन्हाला लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, इवन उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया था। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि आप सिन्हाला लोगों को ही क्यों इतना प्रेफरेंस देते हैं, सुप्रीमेसी दे रखी है, हम तमिल्स के बारे में भी सोचिए। तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ प्रेशर क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर। चिल्ड्रन, ये ना जितने भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, चाहे वो आप माइनॉरिटी के ले लें, एससी के ले लें, एसटी के ले लें, कोई भी पीपल ले लें, ये उनके लिए खड़े होते हैं, ये उनके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, राइट? इनका कोई भी मुद्दा पॉलिटिकल रीजन से रिलेटेड नहीं होता कि इनका कोई ना कोई कारण पॉलिटिकली जुड़ा हुआ है। नो, इनका जो फॉर्म होने का एक ही रीजन होता है कि आम जनता जो है, या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, या जो पावरलेस ग्रुप्स हैं, उनके साथ खड़े होना, उनके इंटरेस्ट की बात करना इनका काम होता है। अब चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे टीचर एंड पेरेंट एसोसिएशन बनाया जाता है, जहां पे टीचर या स्टूडेंट की बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती हैं कि हमारा ये कहना है आपकी इस पॉलिसी के प्रति, यहाँ इनके इंटरेस्ट को देखा जाता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के लिए तो आज तक कोई एसोसिएशन बना ही नहीं है। तो ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप बना दिया गया है जो हमारी बातों को गवर्नमेंट तक लेकर जाएंगे। जैसे एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट ले, चिपको मूवमेंट चला था, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, यही ग्रुप्स थे जो पेड़ से चिपक के खड़े हो गए थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, ये हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा लाइवलीहुड का जरिया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि वो अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहे थे। अब ट्रेड यूनियन है कि अगर इनका कोई इंटरेस्ट की बात है या इनके कोई हक की बात है, तो यही प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो बना लिए जाते हैं, और उनका काम होता है डिफेंड करना अपने इंटरेस्ट को, या पॉपुलर स्ट्रगल्स करना, या प्रोटेस्ट करना, अगर वो गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन से खुश नहीं है। तो ये तो काम होता है प्रेशर ग्रुप्स। यहाँ नेम से ही आपको पता चल रहा है प्रेशर, एक प्रेशर दबाव बनाए रखना गवर्नमेंट पे। तो कम्युनिटी है भाई, बहुत सारी कम्युनिटीज है, कई आगे रहती है, कई पीछे रहती है, जो पीछे रहती है उनके लिए भी तो कोई चाहिए, तो उनके लिए ये ब्रिज का काम करती है। किसके बीच में, जो पावरलेस ग्रुप्स होते हैं और पावरफुल गवर्नमेंट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर कैसे शेयर। चिल्ड्रन, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। सो चिल्ड्रन, द पॉइंट हियर कम्स इज, जब हम 1990s के पहले की बात करें, तो पहले कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होता था। अब आप सोच रहे होंगे, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब होता है गठबंधन की सरकार। तो अब अभी हाल ही में, रिसेंटली आप देखो, दीज डेज जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो कोलिशन गवर्नमेंट का ही है, राइट? अब कोलिशन गवर्नमेंट ही रहती है इन ऑर्डर टू विन इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस जीतना है तो अब जो ट्रेंड चल गया है वो कोलिशन गवर्नमेंट का है। हिंदी में तो इट इज नोन एज गठबंधन की सरकार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट होती हैं, मिल जाती हैं, गठबंधन कर लेती हैं टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। इसका एक यूजुअल रीजन जो है फॉर सच एन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के लिए एक जो कारण निकल के आता है, दैट नो सिंगल पार्टी हैज अचीव्ड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द इलेक्शन।
ये इसलिए किया जाता है, गठबंधन इसलिए होता है कि इलेक्शंस में कोई भी एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आई है, इसलिए क्या करते हैं वो अलग अलग पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट बना लेती है और उसको जो स्मॉल पार्टीज होती हैं वो मिलकर अपनी सरकार बना लेती है। इस तरीके की गवर्नमेंट को कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसमें यहाँ रीजन भी दे रखा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्शन में कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है। मेजॉरिटी मतलब नंबर ऑफ वोट्स किसी एक पार्टी को नहीं दिए गए, ज्यादा वोट्स, तो इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। चिल्ड्रन, ड्यू टू कोलिशन पावर डजंट रिमेन इन वन हैंड। अब देखो, छोटी छोटी पार्टीज ने मिलके गवर्नमेंट बनाई है, तो क्या यहाँ एक सिंगल पार्टी के पास अथॉरिटी रहेगी, पार रहेगा? नहीं, वो सारी स्मॉल पार्टीज के बीच में पार को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पार शेयर करने की बात की जा रही है। एंड चिल्ड्रन, कभी कभी तो जो पार है ना वो दो पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर होता है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसे पार शेयर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ पार इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नाउ लर्नर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्म ऑफ पार शेयरिंग इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नाउ चिल्ड्रन सी, कोशिश किया करो कि स्पेलिंग में ही, नेम में ही उसका मीनिंग निकाला करो। इट मीन्स ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, हम समाज की बात कर रहे हैं, जैसे सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। रिलीजियस मीन्स रिलीजन के बेसिस पर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और लिंग्विस्टिक मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, जैसे आपने श्रीलंका में पढ़ा था सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, दो तरीके के लिंग्विस्टिक ग्रुप थे ना। तो ऐसे ही अगर वहां पर तमिल लोगों ने भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, तमिल स्पीकर्स ने, उन्होंने भी अपने राइट्स की लड़ाई लड़ी थी, तो क्या था, उन्होंने ग्रुप बनाया था ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ना, तो उस ग्रुप, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सोशल ग्रुप। तो कभी कभी कुछ पार जो है वो सोशल ग्रुप को भी दी जाती है, ताकि कोई एक रिलीजन ही ना सुप्रीमेसी में रहे, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सभी इक्वली ट्रीट किए जाएं। लैंग्वेज के बेसिस पर कोई एक ग्रुप सुप्रीमेसी में ना रहे, सबके साथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। कुछ कुछ कंट्रीज में तो देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स जहां पर सोशली वीकर सेक्शंस के लिए या विमेन के लिए अलग से लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया है। क्योंकि चिल्ड्रन, विमेन को पहले राइट्स नहीं थे, विमेन को तो बाद में राइट्स मिलने स्टार्ट हुए, तो विमेन ने भी तो अपने ग्रुप्स बनाए थे ना। इफ यू रिमेम्बर फ्रेंच रेवोल्यूशन, विमेन ने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए थे। व्हाई? इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर एक कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो विमेन हो, चाहे कोई अलग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे कोई एक कम्युनिटी ग्रुप हो, या फिर कोई एक लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, इनके लिए, सबके लिए अलग अलग पार शेयर की गई है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पीछे रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसा अभी मैंने बोला, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में भी बनाई गई थी इन ऑर्डर टू सपोर्ट डच पीपल एंड फ्रेंच पीपल एज वेल, दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये मेथड, दिस मेथड इज यूज टू गिव शेयर इन पावर, राइट, पावर
शेयर करना होता है। नेक्स्ट है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपने देखा है आजकल तो विमेन के लिए सीट रिजर्व होने लगी है, एससी एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व होने लगी है, तो ऐसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई है असेंबलीज में एंड इवन इन द पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री, ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ भी पावर को शेयर किया जाए, ना केवल एक कम्युनिटी को अपग्रेड किया जाए। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वी हैव स्टडीड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देयर वर टू रीजंस, प्रुडेंशियल एंड मोरल। एंड द सेकेंड टॉपिक वी कवर टुडे इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो दे आर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। सो चिल्ड्रेन, अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है, सो आई एम शेयरिंग द लिंक हियर, प्लीज क्लिक ऑन इट एंड वॉच इट, ताकि आपको ये फर्दर चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। एंड चिल्ड्रेन, प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद द स्टूडेंट्स, दोज हू आर इन 9th एंड 10th। और अपने मैम को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और मैम के चैनल के साथ बने रहें। बाय लर्नर्स, टेक केयर।